चैप्टर थ्री, प्लांट किंगडम। हेलो तरह के क्लासिफिकेशन दिए गए। पहले मैं लिख रहा हूं अर्ली अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉर क्लासिफिकेशन ज्यादा अच्छा शब्द है। सबसे पहले एरिस्टोटल, इन्होंने क्या किया? ग्रुप्ड प्लांट्स इनटू, अब तो समझ में आ गया ना किस किस में दिया होगा? हर्ब, श्रब श्रब। श्रब समझते हो ना, झाड़ियों को कहते हैं, एंड ट्रीज। इन्होंने एनिमल्स को भी बांट दिया। इनाइमा, इनाइमा कौन से होंगे? विद आरबीसी यानी विद रेड ब्लड, आप जिसे आरबीसी कह सकते हैं, और एनाइमा विदाउट रेड ब्लड या आरबीसी। इसके बाद मैं अपने यहां के एक साइंटिस्ट चरक का नाम लेना चाहूंगा, भारतीय, जिन्हें फादर ऑफ आयुर्वेदा कहते हैं। इन्होंने लिस्टेड दो चीजें, 200 तरह के एनिमल एंड 340 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। 340, बेटा 340 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। किस चीज में? इन हिज बुक चरक संहिता, SAMHIT। इन्होंने फिर ये वाली बात बता दी। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मैं डायरेक्टली दो में बांट दूंगा, ठीक है? पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे रहा हूं आपको। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया, अरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस, प्लिनी, बाउनी, जॉन रे, लिनियस, इन सब के ही आर्टिफिशियल है। तो इट कंसीडर ओनली
फ्यू कैरेक्टर एग्जाम्पल हैबिट कलर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लीव्स स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम एंड्रोशियम क्या होता है मेल ये मेल का सिंबल है ये आदमी का सिंबल है ये औरत का सिंबल है जिसमें दोनों सेक्स हों ये उसका सिंबल है तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहलाता है इसने क्या किया इक्वल वेटेज वॉज गिवन टू वेजिटेटिव और दूसरा कौन सा सेक्सुअल यस सेक्सुअल कैरेक्टर्स ये किसके द्वारा दिए गए थे ये वाले क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल देता हूं लीनियस क्लासिफिकेशन ये तो बहुत ज्यादा जो कंसीडर किया गया वही है बाकी जॉन रे बाउनी बाउहेन प्लीनी एरिस्टोटल थियोफ्रेस्टस बहुत सारे हैं इसके बाद जो अगला वाला आता है उसका क्या नाम देंगे हम नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बात समझ में आ रही है यस सर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या आपके दिमाग में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत है हाँ जी सबसे पहली बात बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज AFFINITIES अमंग ऑर्गेनिज्म एफिनिटीज का मतलब समानताएं होती हैं मेरे बच्चों यहां पे नेचुरल समानताएं जो आपस में हैं उनके आधार पर इस सिस्टम का क्लासिफिकेशन करें किस किस चीज को ध्यान में रखेंगे बताइए तो जरा इसमें मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एम्ब्रियोलॉजी अल्ट्रास्ट्रक्चर फाइटोकेमिस्ट्री या सभी कुछ इनमें से सभी आंसर नहीं दिए तो मैं बुरा मान जाऊंगा सर सारे हां जी यार सब लोग बोलते नहीं कितना तो चीख चीख के समझा दिया सर तो कंसीडर
ए लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर्स. जैसे मॉर्फोलॉजी, सात्विक बताओ मॉर्फोलॉजी क्या होता है? सर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. दैट्स ग्रेट. एनाटॉमी बताओ बेटी प्रियंका, एनाटॉमी क्या होता है? तुम बताओ नैन्सी, एनाटॉमी क्या होता है? हर्ष, कोई भी? सर इंटरनल फीचर्स. इंटरनल स्ट्रक्चर. सही है. अगला बताना है किसी को भी. मैं लिख रहा हूं एम्ब्रियोलॉजी. अच्छा बताओ अल्ट्रा स्ट्रक्चर में किस चीज की स्टडी करेंगे पूरी? स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी. पूरा ही सेल तक पहुंच जाएंगे. कोई भी बच्चा अगर इसका मतलब बता सके, फाइटोकेमिस्ट्री. फाइटो मतलब पौधा, केमिस्ट्री मतलब केमिकल स्टडी. चलिए अगर किसी को याद हो तो एग्जाम्पल दीजिए, सिस्टम का कौन सा है, किसने दिया था, किसने बताया ये, किसने बताया? बिल्कुल सही जवाब है मनस्वी. अच्छा मनस्वी, तेरी आवाज कैसे बदल गई? बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन. प्रियंका जी आप समझ पा रही हैं या वैसे ही? Yes, आप भी बता दीजिए प्रियंका जी. अच्छा नैन्सी से पूछ लिया, अगर समझ में नहीं आया तो फिर टाइम वेस्ट मत करना अपना. समझ में आ गई बात बेटी? Yes, मेरी क्लास में जब भी ये बहुत अंडरस्टूड रहता है, जब भी वर्मा सर की क्लास होती है तो सबको बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिव यानी बार बार जवाब देने पड़ते हैं. आदत पड़ जाएगी आपको एक हफ्ते में. अभी कुछ नहीं कह रहा, एक हफ्ते बाद कहूंगा. अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, तीनों लड़की में से पहले कौन जवाब देगी, सोच समझ के बोले. पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं. वाई इक्वल वेटेज. मैंने लड़कियां कहा है, ध्यान रखना. टू वेजिटेटिव, नहीं तो सरुआ जवाब देगा फिर. एंड सेक्सुअल करेक्टर इज नॉट एक्सेप्टेबल. बोलो प्रियंका, आप जवाब देना चाहती हो? नैन्सी आप जवाब देना चाहती हो? मनस्वी तेरी भाषा बदल गई है, जवाब देना चाहती हो? यस सर, क्योंकि जो वेजिटेटिव करेक्टर्स होते हैं वो एनवायरमेंटल कंडीशन से अफेक्ट हो जाते हैं. सरोहा ये सही कह रही है? यस सर. हाँ तू ही तो घड़ा मास्टर लग रहा है यहाँ पे. बता क्या कहा इसने? सर हाँ हाँ मैं तेरी भावना. टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर्स नॉट एक्सेप्टेबल. सर आई डोंट नो. अरे यू नो वेल, आई नो. टॉपर बच्चा है तो डीपीएस का 95% लेके जाएगा 12th में. लिखवा ले मेरे से आज एक कागज पे, फीस बढ़ा दूंगा नहीं तो ₹50 महीने. और greatly affected
बाय द एनवायरमेंट सात्विक जी इसका आंसर पहले ही दे चुके थे। सात्विक मैं सही कह रहा हूं? सर मैंने बोला था, मैंने बोला था। अच्छा प्रियंका आंसर पढ़ के सुनाओ। वेजिटेबल कैरेक्टर ग्रेटली अफेक्टेड बाई द एनवायरमेंट कंडीशन। दो एनवायरमेंट कंडीशन बताओ जिससे कोई इंसान काला हो सकता हो या पौधों पे असर पड़ सकता हो। बात समझ में आ गई ना मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? बस इतना बता दे। यस सर। हाँ जैसे धूप का असर पड़ता है तो एनवायरमेंट है वो। अब अगला वाला जवाब तुम दोगे बेटे ईश। सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसमें किस चीज की स्टडी होगी? सर एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज है बेटे। सर एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। बेटे मैं इतना ज्यादा खुश हो गया, बहुत सही जवाब दिया, शाबाश। तो इट इज ए टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इवोल्यूशन के आधार पे ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या कहता है? ये कहता है कंसीडर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या कहता है सात्विक? बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा। शाबाश। सेम टैक्सा हैव ए कौन? कॉमन एंसेस्ट्रल। अरे वाह बेटा, कॉमन एंसेस्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्लास का मैं आज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या करेंगे इसमें? कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ेगी। और क्या करेंगे इसमें? ऐसे तो होगा नहीं न्यूमेरिक टैक्सोनॉमी। इसको फेनेटिक्स, टैक्सीमेट्रिक्स या एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। मैं इनके नाम भी और लिख दे रहा हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये आपकी जानकारी के लिए नाम है, फेनेटिक्स टैक्सीमेट्रिक्स एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी। थोड़े लेवल बढ़ गया।
फिर ये कैसे किया जाए? इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. टैक्सोनॉमी तो क्लासिफिकेशन होता है ना, तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन विद द कंप्यूटर. Where a large number of characters hundreds of characters are taken. And are assigned. ए नंबर, उस करेक्टर को एक नंबर दे देते हैं. अगर एक नंबर बोला तो एक नंबर पे पता होना चाहिए कि उसकी लीफ कंपाउंड है. दो नंबर बोला तो सिंपल है. ऐसे करके नंबर कोई भी दिया जा सकता है, या कोई कोड दे दीजिए. और एक कोड देन डेटा इज प्रोसेस्ड. कंप्यूटर में फिर डेटा प्रोसेस कर दिया. इट यूजेज स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन स्पीसीज. कितनी सिमिलरिटी है, कितने अंतर है. ऑल सिलेक्टेड कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल इंपोर्टेंस. सबको दिया बराबर हमने. द कंपेरिजन हैव बीन मेड इजियर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेटिंग मशीन एंड कंप्यूटर्स. उन्हें यूज किया. ठीक है, डेंडरोग्राम बना लेते हैं. डेंडरोग्राम क्या होता है, किसी ने नाम सुना? डेंडरोग्राम जैसे एक फैमिली ट्री होता है ना, कि पहले दादा, उसके दो बच्चे, उनकी वहां वहां मैरिज हुई, इस तरह पूरी फैमिली ट्री बचपन में बनाते थे ना स्कूल में, वही डेंडरोग्राम होता है. बात समझ में आ गई आपको? डेंडरोग्राम मतलब फैमिली ट्री. ये नया शब्द है. डेंड्रोग्राम इज द फैमिली ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. अगर हम इस पे न्यूमेरिक के बेस पे करें तो वो डेंड्रोग्राम होगा, फैमिली ट्री नहीं होगा. हकीकत में ये एक फैमिली ट्री ही है. दूसरी टाइप ले लेते हैं अभी, एक और, साइटोटैक्सोनॉमी. साइटो मतलब सेल, साइटोटैक्सोनॉमी. इसी में कैरियोटैक्सोनॉमी पढ़ लेते हैं. साइटो मतलब सेल और कैरियो मतलब न्यूक्लियस. यानी बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल क्रोमोसोम नंबर देयर स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ड्यूरिंग मेयोसिस. कैसा कर रहा है, इसीलिए इसको हम कैरियो टैक्सोनॉमी भी कहते हैं. क्योंकि मेरे बच्चों, साइटो का मतलब होता है सेल और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, हमेशा याद रखना. और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन. बात समझ में आ गई ना? तो क्या कहेंगे हम इसमें? इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स characters and numbers and types of chromosome
न्यूक्लियस आ गया ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम एंड देयर बिहेवियर, कि क्रोमोसोम कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, समझे? और क्रोमोसोम का बिहेवियर तो मियोसिस के दौरान ही देखा जा सकता है। तीसरी एक और कैटेगरी है जिसका नाम है कीमोटैक्सोनोमी। कीमो मतलब केमिकल, ये किस पे बेस होगा? केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट, ठीक है? जैसे बीटा साइनिन, जो चुकंदर की जड़ है, बीट रूट, उसमें बीटा साइनिन पाया जाता है। रेफिड्स, सिस्टोलिथ, ये सारे केमिकल्स हैं। सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए एंड केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन, इन सब के आधार पर ये होगा, समझे? तो इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू ड्रॉ एफिनिटीज। एफिनिटीज मतलब समानताएं, यानी सिमिलरिटीज। Amongst them and resolve confusion, जितना confusion है वो दूर हो जाता है। ये कुछ तरह की taxonomies थी, different type of taxonomy or classification are used these days, and these are evolutionary, yani phylogenetic, numerical, cyto, chemo, different disciplines used in taxonomy, ye sare यानी ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी भी आप इनका नाम दे सकते हैं। मैं अभी अगर आपको तो हेडिंग डाल सकता हूं कि ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी, एक सुंदर सा हेडिंग यहां पर, ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी। जिसने आपने ये चार ब्रांच पढ़ ली, अब आपका वो जाना पहचाना क्लासिफिकेशन, जिसको आप जानते हैं, मैं कहूंगा ये ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। प्लांट का नाम ले रहा हूं तो भैया हरा हरा रंग मैं यूज करना चाहूंगा प्लांट के लिए। तो ए ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, कभी मत भूलना, माइंड मैप को कभी मत भूलना। छोटा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगा, दिमाग के अंदर घुसा दूंगा साथ के साथ, कोई टेंशन नहीं लेने का, बढ़िया तरीके से याद करने का।
समझे मेरे बच्चों, सबसे सेंटर में मैं प्लांट लिखूंगा, प्लांट और प्लांट्स को मैं कैटेगराइज करूंगा दो में, इनके डिवीजन करूंगा, चाहे उसे बेंथम होकर की तरह से माने, चाहे इसको अपने लिए अपने हिसाब से कोई सा भी नाम दें क्लासिफिकेशन का, लेकिन इसमें मैंने सारा का सारा प्लांट का क्लासिफिकेशन करके आपको बताना है कि कितने तरह के प्लांट हुआ करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में जब हम बात करेंगे तो am I audible to all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. दो हिस्सों में बांटेंगे बच्चों हम इसको। सबसे पहला क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैमी भी कह सकते हैं इसे, और दूसरा वाला फेनेरोगैम, कल भी मैंने ये जिक्र किया था और आज शुरू में बता चुका हूं, फेनेरोगैमी। ये दो तरह के हुआ करते हैं। जो क्रिप्टोगैम है इनमें फूल होएंगे या नहीं होएंगे, तो आपको सारा पता चल गया, आप बता सकते हैं मुझे आसानी से बिना घबराए। क्रिप्टोगैम में फूल पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? नहीं होंगे सर, नहीं पाए जाएंगे। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये वाले हो गए फ्लावरिंग एंड सीडेड प्लांट। क्योंकि पहले वाले में तो सीड भी नहीं है, विदाउट सीड, इनके अंदर सीड हैबिट आएगी पहले, और ये जो क्रिप्टोगैम है इनका आगे डिवीजन किया गया तीन तरह का, पहले थैलोफाइटा, दूसरे ब्रायोफाइटा, और तीसरे टेरिडोफाइटा। ये तीन कैटेगरी पड़ेंगे। तो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे मुझे ये बताइए, थैलोफाइटा के अंदर मैंने क्या पढ़ने के लिए कहा था कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे? किसी को थोड़ा सा दिमाग में आ रहा हो तो, जरा सा भी दिमाग में आ रहा हो तो बताए कैसे पौधे इसके अंदर पढ़े जाएंगे थैलोफाइटा में, उनमें रूट स्टेम लीफ होंगे या नहीं होंगे? सर नहीं होंगे, डिफरेंशिएटेड नहीं होगा प्लांट, डिफरेंशिएशन ना हो। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बच्चों प्लांट तो किंगडम है, अगर मैं इसको पढूं तो मैंने यहाँ पे सब किंगडम पढ़े हैं दो, और सब किंगडम दो जो पढ़ लिए इनके अब मैं डिवीजन पढ़ रहा हूं, ये वाले ये तीन डिवीजन हो गए, और जो थैलोफाइटा है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? एलगी।
एल्गी पढ़ेंगे ना, और एल्गी भी मैंने आपको तीन तरह के बताए थे। पहले कौन से एल्गी होंगे? ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी। ग्रीन एल्गी, दूसरे रोडो, आर एच ओ डी ओ पी एच वाई सी ई ए ई, रोडोफाइसी। दोबारा से मैं सर्कल कर रहा हूं ताकि ढंग से बन जाए। नहीं बन पा रहा, कमाल है भाई। रोडोफाइसी कैसे रंग के होंगे जरा बताइए मुझे। रेड, रेड एल्गी। और जो तीसरा कैटेगरी होगा फियो, पी एच ए ई ओ, फाइसी। कैसे रंग का होगा बताओ? ब्राउन, ब्राउन एल्गी। अब जो ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक लिवरवॉर्ट और एक मॉसिस। पहला लिवरवॉर्ट, और दूसरा मॉसिस। और ये जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। बार बार मैंने नाम बताए हैं। पहला हम पढ़ेंगे क्लब मॉसिस, दूसरा हम पढ़ेंगे हॉर्स टेल, और तीसरा हम पढ़ेंगे फर्न। तीन चीजें इनके अंदर पढ़ेंगे। अब आते हैं हमारे जो फैनेरोगैम्स हैं। जो फेनेरोगैम्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अच्छे अच्छे रंग बिरंगे प्लांट। और इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, पहला वाला होगा जिम्नोस्पर्म, और दूसरा वाला होगा, बताइए जरा किसी को नाम याद आ रहा हो तो। सर एंजियोस्पर्म। हाँ जी, अब जो जिम्नोस्पर्म है इनमें जो सीड बिना फल के हुआ करेंगे, यानी सीड विदाउट क्या फ्रूट, और दूसरे सीड विद फ्रूट। ये हमारे दो इसमें आ गए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म विदाउट वाले हैं इनमें साइकस वगैरह आया करते हैं,
ठीक है, तो इनके तीन चार इसमें जेनेरा हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। साइकस तो आप लोगों के घर पे भी लगे हुए होंगे, किसी के यहाँ लगे हुए हैं साइकस? नहीं लगे हुए, तो वो जिम्नोस्पर्म में ही आते हैं। और टेरिडोफाइटा में आया करते हैं लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला वगैरह, ये सब डिटेल वहां पे मैं बताऊंगा। फिलहाल जिम्नोस्पर्म की बात हो रही। साइकस, पायनस, नीटन, नीटम, ये चीजें जिम्नोस्पर्म में आती हैं। अगर कभी नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो कोई आफत नहीं टूट रही। और जो सीड विद फ्रूट हैं, इनमें दो कैटेगरी हैं, पहले मोनोकोट, मोनोकोट का क्या मतलब बताया था मैंने आप लोगों के लिए? सर सिंगल कॉटिलेडन। बिल्कुल सही बात है, सिंगल कॉटिलेडन। और दूसरे, ये मैं बंद कर रहा हूं बॉक्स, मोनोकोट सिंगल कॉटिलेडन, सारे सीरियल्स हैं इसी में आते हैं। देखने वाले सीरियल नहीं है ये सीरियल्स, राइस और वीट, मेज, दूसरे डाइकॉट हैं, लेग्यूम्स, डाइकॉट्स, अधिकतर तो डाइकॉट ही देखने को मिलते हैं आप लोगों को। इसमें वन कॉटिलेडन था हैविंग वन कॉटिलेडन, कॉटिलेडन सीड लीफ को कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके टू कॉटिलेडन वाले के पी ग्राम, जो भी लेग्यूम है, मैंगो हैविंग टू कॉटिलेडन, समझे? तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर जो है हमारे एग्जाम्पल आएंगे साइकस, पाइनस, नीटम। एग्जाम्पल तो और भी बहुत सारे होंगे लेकिन हम इन्हीं में काम खत्म करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने एलगी आएगा जो हम आज शुरू करेंगे, यानी हम थैलोफाइटा पढ़ने जा रहे हैं। बात समझ में आई? थैलोफाइटा, ये देखो सबसे पहले क्रिप्टोगैम का थैलोफाइटा जिसमें एलगी और एलगी की तीन क्लास है।